भिलाई में स्थापित इंसिलरी इंडस्ट्री न केवल भिलाई में बल्कि पूरे देश भर में बड़े उद्योगों में लगे विदेशी मशीनों से स्पेयर बनाने का काम कर रही है। और ऐसी ही एक मशीन का स्पेयर कोरोना काल के समय से भिलाई उद्योग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद गुप्ता ने अपनी इंडस्ट्रीज में तैयार किया, जो वास्तव में भी बेहतर साबित हुआ, जिसके लिए इंडस्ट्रियलिस्ट जितेंद्र प्रसाद गुप्ता को अमेरिका की यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। और अब जितेंद्र प्रसाद गुप्ता डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद गुप्ता के नाम से पहचाने जाने लगे हैं। एसीएन न्यूज की टीम ने इनसे खास बातचीत की और जाना कि किस तरह से विदेशी मशीनों के स्पेयर्स को विदेशों से भी कम कीमत पर भिलाई में तैयार किया जा रहा है और कैसे भिलाई का ये औद्योगिक क्षेत्र पूरे देश दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बैठे हैं डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद गुप्ता जी के पास में। और एक कहावत कहते हैं, हमारे भारत में बहुत सारी ऐसी कहावतें हैं कि एक कहावत यह हो कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती या कोई चीज हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। तो इसमें से सारी चीजें डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद गुप्ता जी पे लागू होती हैं कि किसी भी चीज को पाने के लिए, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। हाल फिलहाल में यूएसए के यूनिवर्सिटी से इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। जानना चाहेंगे इनसे कि किस बात के लिए इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली, क्योंकि डॉक्टरेट बहुत सारे विषयों पर होता है, बहुत सारे क्षेत्र में इसको उपाधि दी जाती है। तो आज हमारे लिए गौरव का विषय है कि भिलाई में उद्योग जगत, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उद्योग जगत के अध्यक्ष भी हैं और आईआईटी भिलाई में आईआईसी मेंबर के सदस्य भी हैं। बहुत सारी चीजें हैं, इसके पहले भी इन्होंने बहुत सारे कारनामे किए हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है, भिलाई इस्पात संयंत्र में भी कई ऐसी चीजें हैं जो इन्होंने सप्लाई किया है, खुद इनके अपनी कंपनी में बन करके सप्लाई हुआ है। तो जानना चाहेंगे, इतना ज्यादा ना बोलते हुए हम इनसे ही जानना चाहेंगे कि आखिर क्या था ये डॉक्टरेट की उपाधि और कैसे प्राप्त हुआ। सर, सबसे पहले तो आपका एसी न्यूज में आपका स्वागत है। सर, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी ने मेरे लिए एक समय निकाला, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे डॉक्टरेट जो मिला है, मुझे अपने कर्मों के आधार पे, मुझे अपने प्रोडक्ट के ऊपर मैंने कुछ चैलेंजेस दिए, जिसके आधार पे मुझे ये यूएसए की मैरीलैंड यूनिवर्सिटी ने मुझे डॉक्टरेट सम्मान से नवाजा और ये डॉक्टरेट अवार्ड मुझे दिल्ली में मिला। इसमें मैंने कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाए थे जो कि इटली से इम्पोर्ट हुआ करते थे, उसको मैंने इंडिया में डेवलप किया। और वो समय था आपका कोविड काल का, जिस समय इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टोटल बंद था, उस टाइम मैंने डेवलप किया और इटालियन कंपनी ने मेरे उस प्रोडक्ट के क्वालिटी और सारे पैरामीटर्स को जांचने परखने के बाद मुझे अप्रिसिएट किया और उसी का परिणाम स्वरूप ये चीज़ें स्प्रिट होती हैं, लोगों तक जाती हैं कि एक नई चीज़ नए देश में मिनिमम कॉस्ट में भी डेवलप किया जा सकता है। ऐसे चैलेंजेस में मैंने किया और मुझे भारत सरकार एवं मैरीलैंड यूनिवर्सिटी की तरफ से ज्वाइंट में मुझे ये डॉक्टरेट की उपाधि मिली। आपने कॉस्ट की बात की, मिनिमम कॉस्ट, तो जो चीज आपने डेवलप किया था उसके बारे में थोड़ा बताइए, वो क्या चीज था, क्या मटेरियल था और कैसे इतने, मतलब कितना कम कॉस्ट में पड़ा वो? देखिए, मैकेनिकल में बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिसको एक एक चीज को एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल है, क्योंकि कॉमन हमारे जितने भी वर्ग लोग हैं उसको वो समझ नहीं पाएंगे। बट वो एक मैकेनिकल बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट्स थे जिसके कारण कोई भी एक मिल का स्टार्टिंग पॉइंट वो अगर डैमेज होता है तो वो मिल रन नहीं हो पाएगा। तो उस टाइप के वो कंपोनेंट्स थे जिसमें फेरस नॉन फेरस दोनों की संभावना थी, जिसको बनाना बहुत ही मुश्किल था। उस चैलेंजिंग दौर में मैंने बनाया, भिलाई में सारे चीज हमको अवेलेबल हुए लोकेलिटी और हमारी टीम, पूरी टीम ने हमें एक साथ मिल करके उस प्रोडक्ट को डेवलप किया। और डेवलप करने के बाद जब हमने उस आइटम को सप्लाई किया तो उसको फिटमेंट के लिए इटालियन कंपनी के लोग को आना था और आकर के उसको फिटमेंट करना था। जब वो आए और हमारे प्रोडक्ट को उन्होंने देखा तो देखने के बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि हम जो बना रहे हैं उससे भी बेहतर क्वालिटी का इन्होंने बनाया है और हम जिस कॉस्ट में इंडिया को दे रहे थे उससे काफी कम कॉस्ट में इन्होंने इंडिया में ही डेवलप कर दिया। उसको लेकर के उन्होंने मुझे अप्रिसिएट किया और हमारे क्वालिटी को उन्होंने मच बेटर शब्दों से नवाजा। ये हमारे लिए
बहुत खुशी की बात थी और शायद उसी का परिणाम है कि आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा। आपने बोला है कि कंपनी भारत की थी जिसके लिए आपने कंपोनेंट बनाया जी, और माल उसका आता था इटली से। नहीं, जो कंपोनेंट आपने हाँ, बनाया वो कंपोनेंट इटली से आता है। वो उस कंपोनेंट की वजह से अगर वो नहीं आता तो क्या फर्क पड़ता? क्योंकि प्लांट का प्रोडक्शन कुछ दिनों के लिए ठप होता, जो कि आर्थिक रूप से बहुत बड़ी क्षति देता हमारे देश के ऊपर। और दूसरी चीज थी वो, चूंकि टोटल मैकेनिज्म, वो जो एक मशीन था वो मशीन ही इटली का था, उसका ये एक स्पेयर था जो कि OEM बोलते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर इटली था, वो स्पेयर्स के रूप में आता, वो स्पेयर्स मैंने यहाँ डेवलप किया। मेरा भारत महान, यहाँ कहना गलत नहीं होगा दोस्तों, इटली की मशीन, इटली से आने वाले स्पेयर्स जो उस मशीन में लगने थे वो भारत में ही बनके तैयार हो गए, भारत क्या भिलाई में बनके तैयार हो गया, और इसका श्रेय जाता है जितेंद्र प्रसाद गुप्ता जी को। उदय जी बताइए, आप जब वहां पर डॉक्टरेट की उपाधि जब आप लेने गए कैसा फील हो रहा था, क्या लग रहा था? सर अपने आप में तो मैं काफी गौरवान्वित महसूस भी कर रहा था, और मेरे पेरेंट्स मुझसे ज्यादा गौरवान्वित थे। और इस कार्यक्रम में मेरे फादर ने बोला कि मेरे बेटे को डॉक्टरेट मिलने जा रहा है और मैं ना जाऊं, तो मेरे मदर और फादर दोनों लोग मेरे साथ थे, और उस टाइम शायद मैं अपने आप में इतना गर्व महसूस कर रहा था जो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जो कोविड का समय था, कोविड काल जो हमने झेला है, जो बीता है, उस समय भी पूरी तत्परता के साथ उद्योग जगत के लिए, उद्योग जगत को आगे बढ़ाने के लिए जितेंद्र प्रसाद गुप्ता जी पूरी तरह से तत्पर थे, और यही वो कारण है जिसकी वजह से आज इनको USA की तरफ से, एक यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। मैं और जानना चाहूंगा, इसके पहले भी हमने बहुत सारी चीजें सुनी है कि जो चीजें नहीं मिल पाती हैं, जो स्पेयर्स कहीं नहीं मिल पाते या महंगे होते हैं, उसको आप अपने कंपनी में डेवलप करते हैं, तो कैसे संभव हो पाता है? टीम में जो टेक्निकल टीम है उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर इसमें सबसे बड़ी होती है, हर आदमी की अपने अपने कार्य करने की क्षमता होती है और दृढ़ शक्ति होता है कि जब ये दूसरा देश बना सकता है तो हम इसको क्यों नहीं बना सकते, और उस चीज के लिए हम अपने आप को प्रतिबद्ध करते हैं और उस चीज का रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। उनके पास हमारे साथ हमारे इंडियन कंपनीज भी हमको सपोर्ट करती हैं और रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए हमको मौका देती हैं। हम एक एक चीजों का बारीकी से एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के बाद हर एक चीज को हम उसके गुणवत्ता के आधार पर जांचते हैं, परखते हैं, और उसके बाद अगर वो कंपनी हमें ऑर्डर देती है कि आप हमको एक सैंपल तैयार करके दिखाओ, वैसे मौके मिलते हैं, और हमने बना करके काफी लोगों को दिया है। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट हैं, मैं बात करूँ 2004 की, जिस समय हमारे छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी रेल लाइन बनाने की फैक्ट्री हमारे रायगढ़ में स्थापित हुई, जो श्री नवीन जिंदल जी की ग्रुप थी। उस टाइम वो कंपनी NK के जापान के साथ कोलैबोरेट होकर के विश्व की सबसे बड़ी रेल लाइन बनाने की कंपनी स्थापित हो रही थी। जब उनकी कंपनी चल रही थी उस टाइम उनका एक इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट उसमें रखता था, उन्होंने साउथ अफ्रीका से सेकेंड हैंड मशीनरी उन्होंने प्रोक्योर किया हुआ। उसका एडजर कॉन्ट्रैक्टर वो पूरे वर्ल्ड में घूम चुके हैं, उनको कहीं भी स्पेयर्स नहीं मिले। उसके बाद उन्होंने ये मन बनाया, या तो हम प्लांट बंद करेंगे, आइदर नया एडजर लगाएंगे, जो कि 2004 के समय में वो एडजर की कीमत कम से कम 10 करोड़ रुपए थी। उसका एक छोटे से स्पेयर्स को लेकर के वो प्लांट इतने बड़े आर्थिक नुकसान को झेलने को तैयार था, बट मेरे पास वो चैलेंज है, चूंकि हमको जानने वाले एक मिस्टर RK अग्रवाल जो कि उस टाइम उस प्लांट में एज ए वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने हमें कॉल किया कि कहाँ हो, चूंकि वो पैरेंटियल थे, हमको बचपन से जानते थे, तो हमने बोला सर हम राउड किराने हैं, तो बोले तुम इमीडिएट रायगढ़ आओ। हम रायगढ़ गए, जा करके उस प्लांट में हमने देखा, और देखा हम बोले हम इसको बना सकते, बोले तू बना सकता है, मैं बोला बिल्कुल बना सकता। तो जो उस डिपार्टमेंट के एक DGM थे जो पूरे वर्ल्ड को घूम करके आ गए थे और उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि हमें ये पूरा एडजर चेंज करना है, वो थोड़ा चौंक गए, बोले आप उनको बना के दे सकते हो? मैं बिल्कुल दे सकता हूँ। तो बोले कितने टाइम में? बोला आपको कितने टाइम में चाहिए? तो बोले हम आपको 24 घंटे के अंदर चाहिए रिपेयर होकर के। हमने बोला बिल्कुल, आप आने जाने का टाइम कॉस्ट हटा दे, टाइमिंग हटा दीजिए, आपको 24 घंटे में दिया। बोले ठीक।
मैंने वो 24 घंटे के अंदर में उनके टेबल पर रख दिया बना करके। फिर एनके के जापान वालों ने उस टाइम जब उस आइटम को लगाया और लगा करके दिया, तो उस टाइम में भी मुझे एनके के जापान वाले ने आर के अग्रवाल जी जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके सामने ये वर्ड बोला, योर क्वालिटी मच बेटर देन तोशिबा जापान, क्योंकि उसका ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर था तोशिबा, जो आज भी टीवी वगैरह बनाती है उस कॉन्ट्रेक्टर का मैन्युफैक्चरर था। तो हमने पुराने को रिपेयर करके दिया जो कि एक तोशिबा कंपनी नया बना के देती थी जिसका प्रोडक्ट बंद हो चुका था। तो ऐसे हमने उस टाइम से करते आ रहे हैं और वो थोड़ा कॉन्फिडेंस हमारे अंदर है कि हम कर सकते हैं, और शायद उसी का परिणाम है कि आज 20 सालों बाद मुझे उसी टाइम के कारनामे में मुझे डॉक्टरेट का अवार्ड दिया। कहते हैं दोस्तों, जज्बा होना चाहिए, अगर जज्बा है तो कोई भी चीज असंभव हो ही नहीं सकती। जितेंद्र भैया, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा जो मेरे मन में बहुत देर से चल रहा है, इसके बाद हम खत्म करेंगे। भारत में सब कुछ मौजूद है, कला मौजूद है, कलाकार मौजूद है, वो सामान मौजूद है जिससे सब कुछ हो सकता है, और शायद इसलिए कहते हैं कि भारत में, भारत का जुगाड़, जुगाड़ जो शब्द है ये भारत से निकला और भारत का जुगाड़ सबसे अच्छा है। लेकिन आज भी भारत में बनी हुई चीजें मेड इन इंडिया, वो चमक नहीं बिखेर पा रहा है, वो चमक उसमें फीकी लगती है। मेड इन इंडिया बोलते के साथ लोगों के चेहरे उतर जाते हैं, लोग उस प्रोडक्ट की तरफ थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं, क्या कारण मानते हैं इसका? सर, मैं इस बात को मैं आज के डेट में तो नकारना चाहूंगा कि आज के डेट में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारे भारत के प्रोडक्ट को लोग अब ओछे नजरिए से देखना चाहेंगे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो आज प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इतनी फोकस्ड है भारत के प्रोडक्ट को लेकर के और एमएसएमई यूनिट्स को लेकर के कि हमें अपने आप को अपडेट करने को लेकर के ऑटोमोशन की तरफ अगर हमको डाइवर्ट होना है, गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे स्कीम्स दे करके रखे हैं जिस स्कीम्स के तहत हम अपने आप को अपग्रेड करें और अपग्रेड करके वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट बनाने के पीछे आज भारत अच्छी भली भांति से काम कर रहा है। हमारे जैसी छोटी छोटी यूनिट्स भी उस तरफ फोकस कर रहे हैं। अगर मेरी खुद की बात करें तो मैंने आज अपने वर्क्स में मैंने 10 मशीनें इंपोर्ट करके ऑटोमोशन की तरफ कन्वर्ट कर रहा है और ऐसी बहुत सारी यूनिट अपने आप को अपग्रेड कर रही है। जहां तक सवाल आपने एक और किया कि जुगाड़ तो सर हमारे डीएनए में है और भारत का जुगाड़ वर्ल्ड फेमस है सर। वो लॉजिकल होता है, देन एंड देयर होता है। सपोज कोई भी चीज का एक कार्य करने का एक शैली होता है, लेकिन हमारे इंडियंस के पास भगवान ने ऐसी शक्ति दी है कि वो देन एंड देयर उसके माइंड में क्लिक करता है कि इसको ऐसा नहीं ऐसा कर दे और वो काम 100% सक्सेस होता है। तो ये हमारे लिए गॉड गिफ्टेड है, हमारे डीएनए में है। इस जुगाड़ का कोई क्लासिफिकेशन आपको नहीं दे सकता, बट जुगाड़ आज भी जुगाड़ हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट का एक कारक है। जो डॉक्टरेट आपको मिली है इसको किसी को किसी के साथ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल शेयर करना चाहेंगे, और हम आपको ऑन स्क्रीन भी दिखाना चाहते हैं और आपको दिखा सकता हूँ। फिर भी बताइए किसको, किससे शेयर करेंगे आप? या आपकी जो डॉक्टरेट है, आपकी जो डॉक्टरेट उपाधि है, ये किसके साथ शेयर करना चाहेंगे? ये हम अपने देश के साथ शेयर करना चाहेंगे, अपने राज्य के साथ करना चाहेंगे, अपने भिलाई नगर वासियों के साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि जिस धरती पे हम हैं और जिस धरती पे हम अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं और दूसरे देश की धरती से अगर हमें सम्मान हो रहा है तो स्वाभाविक है कि ये हमारे नगर, हमारे राज्य और हमारे देश की उपलब्धि है। हम तो एक छोटा सा नाम मात्र के हैं जो अपना कर्म कर रहे हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं जितेंद्र प्रसाद गुप्ता जी। इतने बारीकी से इतने बड़े काम करने के बाद भी ये खुद को कहते हैं कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा देश, मेरा प्रदेश, मेरे भिलाईवासी मेरे साथ हैं, और अपनी डॉक्टरेट के उपाधि भी ये पूरे भिलाईवासियों के साथ, अपने प्रदेशवासियों के साथ और देशवासियों के साथ शेयर करना चाहते हैं। इनका एक कहना और है कि जब से नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में सरकार, इस देश की सरकार को संभाला है, तब से एमएसएमई लगातार बढ़ता जा रहा है, ऊंचाइयों को छूता जा रहा है और नए नए आयाम इसमें आते जा रहे हैं। आगे और क्या इच्छा रखते हैं? एक फाइनल सवाल सर, आगे तो समय बड़ा बलवान है, हम इसी तरह अपने चैलेंज को और इजाफा करते रहेंगे। अब आगे देखते हैं समय के गर्भ में क्या छिपा है, हम तो अपना कर्म करना जानते हैं और निरंतर करते रहेंगे। आप स्वयं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और भिलाई इंडस्ट्रियल एरिया कहलाता है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो इस बिजनेस में है, जो एंसिलरी में है,
कुछ संदेश? मैं खासकर अपने भिलाई औद्योगिक क्षेत्र के लोगों से मैं गुजारिश समझ लें या मेरी भावनाएं समझ लें या भिलाई के प्रति एक स्नेह समझ लें, मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि आज समय है अपने आप को बदलने का। आज आप अपने आप को अपग्रेड करें, क्योंकि भिलाई जो ख्याति बरसों से रखा है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो रहा है। आज भिलाई में लोग आने से डरते हैं, क्योंकि मैं नेगेटिविटी हो सकता है मैं ऑन स्क्रीन नेगेटिविटी बोल रहा हूँ, लेकिन भिलाई की मेंटालिटी जो है कहीं ना कहीं वो अपग्रेडेशन के तरफ को फोकस नहीं कर रही है और दूसरी शहर कहीं ये ख्याति को ना दे। तो इसलिए भिलाई से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने आप को अपग्रेड करें औद्योगिक क्षेत्र, ताकि भिलाई का जो ख्याति है वो बरकरार रहे। मैं आने वाले भावी उद्योगपतियों से कहता हूँ, जो नई जनरेशन आज बहुत सारे यूनिट्स में आ गई है, अपने आप को अपग्रेड की तरफ फोकस करें, ताकि भिलाई का नाम वो सुनहरे अक्षरों में जो पहले था उसको बरकरार रख सके। भिलाई के इंडस्ट्रीज को भी लेकर के काफी अच्छे ख्याल जितेंद्र प्रसाद गुप्ता जी के हैं, और हमारी भी यही कामना होगी कि आप किसी तरह से और ऊंचाइयों को छुए और भिलाई का नाम रोशन करते रहे। लेकिन जरूरत है भिलाई को बदलने की, अपडेट होने की। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एसी न्यूज़।